एक मेरा पराठा ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब। आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके मुझे बताइए और इसका प्रोसेस देखिए। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, प्याज के पराठे बना लिए। बहुत ही सिंपल, आटा ऐसे नॉर्मल रोटी का जैसे होता है वैसे मैंने गूंद लिया है और प्याज को महीन काट लिया है, उसी में हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक, और ये अजवाइन, अजवाइन ज़रूर डालें और नमक तभी डालें जब बनाना हो। और मैं दूसरी तरह से बनाऊंगी, दो रोटी बना के उसके बाद अच्छी तरह से फिलिंग भरूंगी तो ज़्यादा अच्छा बनता। बहुत से लोग इसमें गूंद के आटे में इसको मसाले को, ये जो प्याज हरी मिर्च और हरा धनिया सब डाला है तो ये मसाला उसमें गूंद के बनाते हैं, लेकिन मैं स्टफ़ करके बनाती हूँ। स्टफ़ करके बहुत ही टेस्टी बनता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट, अगर आपको कुछ समझ में ना आए और ये इसके साथ आप कुछ भी खा सकती हैं, मिल्क ले, दही ले सकती हैं, चटनी ले सकती हैं या आलू टमाटर की सब्ज़ी ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो। और हम तो सॉस के साथ खाएंगे तो हमें सॉस के साथ पसंद है। अगर आपको हरी धनिया के साथ पसंद है हरी चटनी तो हरी चटनी के साथ खाइए। तो मैं बनाने जा रही हूँ, आप इसको देखिए। ये देखिए, मैंने एक ये रोटी बेली, एक रोटी ये बेली, और ये जो स्टफिंग है इसको अच्छी तरह से हल्का सा नमक मिला दिया है। अब क्योंकि मैं भरने जा रही हूँ तभी मिलाया, नहीं तो पानी छोड़ देगा। ये अच्छी तरह से स्टफिंग बनाए तो ये बहुत बढ़िया बनता है। आप इस तरह से बना के देखिए, और जो उसमें गूंद के करते हैं उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में फ़र्क होता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और मुझे क्योंकि इसमें अच्छी तरह से खूब सारी स्टफिंग आ जाती है। अब इस रोटी को, दूसरी रोटी को मैं देखिए, ये रोटी दूसरी मैंने अच्छी तरह से इस पर दबा दी है बस, और इसको अब बेलना नहीं है। और ये पराठा थोड़ा मोटा बनता है लेकिन बहुत बढ़िया। देखिए इसको इस तरह से दबा दीजिए और इसको सेकिए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से ऐसे करके खूब दबा दबा के सेक लें। उसके ऊपर आप चाहे घी लगाएं, चाहे बटर लगाएं, चाहे रिफाइन लगाएं, जो आपका मन हो उससे इसको सेक लें। ये देखिए खूब अच्छी तरह से कुरकुरा सेक दें और इसको खाई ब्रेकफास्ट में आप खाइए, चाहे जैसे जब मन करे इस पराठे को खाइए। बहुत ही गर्मा गर्म टेस्टी पराठा बन के तैयार होता है। ये देखिए मेरे पराठा बन के तैयार हुआ है, और इसको मैं सॉस के साथ सर्व। ये देखिए मैंने पराठा बना दिया है, और इसको मैंने हींग के अचार और सॉस के साथ सर्व किया। आप चाहें तो हरी चटनी भी ले सकते हैं, या कोई सब्जी हो जैसे आलू टमाटर वगैरह के उसके साथ खा दें, लेकिन सॉस और अचार के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप दही ले सकते हैं, आपका मन है तो दही के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं और खिलाएं, और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा।